दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप यूजर हैं या फिर एक कंप्यूटर यूजर हैं तो दोस्तों कई बार आपको जरूरत पड़ता होगा स्क्रीनशॉट लेने का, या फिर दोस्तों आप जो है नए हैं तो आपको नहीं पता है कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीके ऐसे बताऊंगा जिसका यूज करके आप जो है अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन तरीके क्या हैं और इसको कैसे यूज करते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो जो है कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब दोस्तों मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो है सबसे पहला तरीका आपको जो मिल जाता है उसके लिए आपको सिंपली यहां पे विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन टाइप करना होगा। टाइप करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट जो है ले लिया जाता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जिसके लिए आपको माई कंप्यूटर पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको पिक्चर वाले फोल्डर पे जाना है। यहाँ आपको मिल जाता है स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है स्क्रीनशॉट मिल जाता है। तो दोस्तों ये पहला तरीका था जिससे कि आप स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन का ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दूसरा तरीका मिल जाता है जिसके लिए कि आपको यहाँ पे सिंपली विंडोज़ का यहाँ पे बटन टाइप करना होगा। विंडोज़ का बटन टाइप करते ही आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्निपिंग टूल। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्निपिंग टूल सर्च किया है, अब दोस्तों यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आपको जो है जो भी एरिया यहाँ पे अपने स्क्रीन का यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है जिसमें कि आपको वो एरिया दिख जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों फाइल पे जा करके यहाँ पे या फिर सेव के बटन पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है, चलिए मैं उसको फिर से उसी फोल्डर पे ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी हमने अभी यहाँ पे स्निपिंग टूल से कैप्चर किया था वो यहाँ पे जो है सेव होकर के आ चुका है और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दूसरा तरीका जो मिल जाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो आपको इस वीडियो में मिल चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि तीसरा तरीका कौन सा है जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे मैं अपना जो है माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, इसका साइज जो है छोटा कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाऊंगा। सिंपली यहाँ पे आपको जो है प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया तो ये एक कॉपी के रूप पे सेव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको विंडोज़ का बटन जो है प्रेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैं जो है अपने स्क्रीन पे विंडोज़ का बटन प्रेस कर रहा हूँ और आपके सामने विंडोज़ खुल जाता है। यहाँ दोस्तों आपको टाइप करना होगा पेंट और ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली जो है आपको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया था तो वो एक इंटरनली कॉपी के रूप पे सेव हो चुका था और यहाँ पे कंट्रोल वी से ये जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब दोस्तों इसको हम सेव कर लेते हैं फिर से उसी लोकेशन पर जहाँ पर हमें चाहिए ये स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों चलिए फिर से माई कंप्यूटर पे चलते हैं और उसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे हमने इमेज को सेव किया है। यहाँ हमने स्क्रीनशॉट पे सेव किया था, देख सकते हैं तीसरा यहाँ पे इमेज आ चुका है जिसमें कि आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका स्क्रीनशॉट जो कि अभी अभी आपने जो है तीसरे मेथड का यूज़ करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको तीन तरीके ऐसे बताए हैं जिसका यूज़ करके आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर पर। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।